पूरा होने जा रहा है, हुआ है, इस अवसर पर क्या कुछ? बस मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छी कहानी पे मैं काम कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे 4 से 5 कहानियाँ सुनाई लेकिन कुछ समझ में नहीं आया मुझे। फिर एक दिन रजनीश भी आया और फिर ये आए तो उस दिन एक कहानी उन्होंने मुझे फैमिली सुनाया जो हर एक बेटा के दायित्व बनता है अपने माँ बाप के लिए, या जो हमारे परिवार में आज के ज़माने में हो रहा है उसी पे आधारित सिनेमा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसे सिनेमा का हिस्सा बना हूँ जो हर परिवार की ज़रूरत है। कोशिश है हम लोगों की, बाकी अभी तो सुना हूँ, बाकी आगे बन के क्या आता है तो मंजूर साहब बताएंगे, क्योंकि इनका भी मेरे से तो मेरे लिए भी इनका नया अनुभव है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को ऑपरेशन से ये सिनेमा बनेगा ताकि हम भी इनको जान पाएंगे तब जब सिनेमा करेंगे। अभी ये क्या करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी इन्होंने मुझे बैकग्राउंड अपना दिखाया सिनेमा का वो बड़ी अच्छी थी, क्योंकि राजस्थान से है तो राजस्थानी मूवी इन्होंने जो भी बनाया है बड़े अच्छी टेक्निक के साथ बनाया है। तो मेरा विश्वास है कि एक नया अनुभव भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलेगा, जो कि राजस्थान में था वो अनुभव आज भोजपुरी के लिए आया है। फिल्म की अगर बात करें किसानी जी, तो क्या बैकड्रॉप है इस फिल्म का, जैसे पोस्टर में भी हम देख रहे हैं तो उसको लेके, और क्या बैकड्रॉप किस पर आधारित है? ये फैमिलियर फिल्म है और एक हर माँ बाप के लिए है, हर एक बेटा के लिए है। तो अभी मैं कान को नहीं खोल पाऊँगा क्योंकि अभी कहानी बनने में टाइम अभी चल रही है सारी चीज़ें, तो अभी गाने पर हम लोग बैठेंगे। कहानी तो लिखी जा चुकी है लेकिन हम लोग गाने पर बैठेंगे दोनों भाई, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर और आप लोग, एक तो बच्चे का मोहताज है नहीं भी, या जीनियर साहब भी, या जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भोजपुरी के भला के लिए करते हैं, तो कोशिश हमारी रहती है। तो भोजपुरी का जब भी कुछ भला होना होता है तो ये मैं अपना निजी अनुभव से बोल रहा हूँ वो है फिल्म की कहानी। एक बार इनको फिल्म की कहानी अच्छी लग जाती है तब बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और इस फिल्म में भी वही हुआ। पहले एक दो कहानियाँ डायरेक्टर साहब ने हमें सुनाया और हमने बोला कि आप खेसारी जी को सुनाइए, उनको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल करेंगे। इन्होंने सुना, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर जैसे हमने बोला कि ये कहानी, हम लोग डिस्कस किए, बोले कि ये कहानी सुना लीजिए, और जैसे इन्होंने वो कहानी सुनाई, सुनने के साथ इन्होंने रेडी अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हम करेंगे कहानी। तो इनके लिए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कहानी सबसे सर्वोपरि होता है, अगर कहानी पसंद आ गई तो बाकी ये सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है। उन्होंने मुझे समझा, मेरी कहानी को समझा, इनका बड़प्पन है। और जहाँ तक कैसे ही भैया की बात है तो ये तो आइकॉन है। आइकॉन मतलब शब्द नहीं है कि आइकॉन भी कम बताऊंगा मैं, बहुत पैसा लेते हैं पैसे की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार, मैं और भी लोगों से मिला हूँ और नहीं बताऊँगा, लेकिन मुझे जो ग्राउंड टू अर्थ जो ज़मीनी जो बात हम करते हैं भैया समझ। और मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिन्होंने मेरे कदम से कदम मिला, इन्होंने कोशिश की, मुझे साथ दिया, तो मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। और कहानी दो पॉइंट पे भैया ने कहा यही चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कि हीरो तो है, सोने पर सुहागा कहानी के साथ में इन्होंने जो बच्चा है तो अपने आप में अल्टीमेट। और मैं भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी समाज का आभारी हूँ, भोजपुरी भाषा का आभारी हूँ, जिन लोगों ने जिस सिनेमा को जीते हैं। मैं इस फिल्म में नया हूँ क्योंकि राजस्थान से हूँ, राजस्थानी कई फिल्में बनाई हैं, एक नया अचीवमेंट है। लेकिन जो कोऑपरेशन, जो सपोर्ट जो भोजपुरी से मिला है मुझे, मुझे मेरे क्षेत्र से भी नहीं मिला, बुराई नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो सपोर्ट, जो एक एवरनेस जिसे कहते हैं, एक एनर्जी जो दी है वो भैया ने दी है। हम तो कहानी तो सभी लेके जाते हैं लेकिन सपोर्ट किसको मिलता है, इसके लिए मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आज भैया जैसी हस्ती मेरे साथ जुड़ी है। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, रजनीश सर का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने विजय यादव जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, संजय पटियाला जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपने नवीन तिवारी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सोनू भैया जो भैया के साथ में हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस नाचीज पे एक विश्वास, एक यकीन दिया और आज भैया हमारे सामने है, हमारे साथ है, एक नया पॉजिटिव एक एनर्जी जो मिली है, ये सब भैया के लिए।
के साथ ऐसा है कि इनके रग रग में म्यूजिक है, शायद म्यूजिक इनसे छीन लिया जाए तो ये दुनिया छोड़ दे। प्रतिदिन इनका दिनचर्या में है कि दो तीन गाने जब तक ये बना नहीं लेंगे, उसको गा नहीं लेंगे, उसको खा नहीं लेंगे, पचा नहीं लेंगे, इनको चैन नहीं मिलता। तो इनके साथ काम करने का, संगीत बनाने का मेरा जब शुरू से ही जो अनुभव रहा है, जो जो फिल्में हमने किया साथ में, म्यूजिकली सारी की सारी ब्लॉकबस्टर जितनी फिल्में हम लोगों ने की, और संगीत इनके साथ बनाने का एक अलग अनुभव है। वैसे तो सबके साथ, दिनेश जी के साथ काफ़ी फिल्मों का मैं संगीत दिया हूँ, अब पवन जी के साथ भी दिया हूँ, पर इनके साथ संगीत बनाने का एक अलग आनंद ये है कि इनको राइटिंग का हुनर बहुत अच्छे से आता है, कि जो जो दर्शक वर्ग हैं जरा भोजपुरी बढ़िया से आवेला और भोजपुरी में का सुनने के चाहता है, यही कारण से वो लोग जानते बनी कि खेसारी लाल यादव 10 साल से आज ऑडियो लाइन में, मतलब गायकी के लाइन में टॉप पर आज 10 साल से चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा बड़े, तो संगीत के फील्ड में ये आज 10 साल से सिरमौर बड़े। तो इनका संगे गाना बनौला के हिसाब से जो अनोखा होला, और डायरेक्टर साहब की चूंकि विजन बहुत क्लियर बा, और जो सब्जेक्ट किया उठौले बनी नौ पर हमने के संगीत अपने अंदर से खुद से निकली इतना बढ़िया। बाकी संगीत के बारे में हम कैसन बनाए मेकर ज्यादा ई कैसन बनवाई है ऊपर। रजनीश जी हमेशा फेरा फेरी करते हैं संगीत को लेकर खेसारी के साथ में। इससे अच्छा कोई सवाल नहीं था। मैं इसका जवाब दीजिए जरा। धरती पे आज जीवन में कौन हेरा फेरी नहीं करता है, विदाउट हेरा फेरी जीवन किसकी चलती है। हमें जरूर इधर उधर करना पड़ता है, समस्या की हाँ, बस सत्य एक चीज़ है कि हमें अश्लीलता अश्लीलता को परोसना नहीं, अश्लीलता से दूर रहना है, और हम कोशिश यही करेंगे जब हम कहानी जब घर परिवार की उठाएंगे तो हम शायद उसमें अश्लील कभी नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे घर परिवार में हमारे संस्कार में अश्लीलता नहीं है। अगर हम किसी और जगह से चीज़ों को उठाते हैं तो उसको समझाने के लिए लोगों को अश्लीलता डालनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं है। नजरिया का भी अंतर है, नजरिया का। हाँ, नजरिया भी देखने का है। देखिए बंधु, पारिवारिक फिल्म ही हो चाहे कुछ भी हो, परिवार के अंदर ही शादी ब्याह होता है और परिवार के अंदर ही सुहागरात होता है। ऐसा नहीं है कि सुहागरात के लिए आदमी जंगल में किसी पेड़ पे चढ़ जाता है। बाप को पता है होता है, ससुर को पता होता है, सास को होता है कि आज बहू ब्याह के आई गई है। लड़के को बजाबते सम्मान लोग धक्का मार के घर में पहुंचाते हैं, दरवाजा बंद किया जाता है, उसके घर में दूध का गिलास रखा जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणपति भगवान की वहां पे आराधना रात में होने वाली है, जो होने वाला है वो सर्वविदित है, और उसको लोगों ने जो अपनाया है, उसको जो लोगों ने माना है, वो आध्यात्मिक तौर पे आप समझिए कि एक शुभ मंगल कार्य के लिए कितनी ज़्यादा देवताओं का आवाहन होता है, पूजा पाठ होता है। तो सोचने का नज़रिया है कि किस कार्य के लिए कितने अच्छे तरीके से उसको पूजा पाठ करके देवताओं का आवाहन करके और किया जाता है चीज। और एक बात और, आप लोग का हेडलाइन बड़ा गड़बड़ होता है। हेडलाइन मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज एक हेडलाइन दे दो, जो जो बातें हम बोलते हैं उसी का हेडलाइन बनाइए। देखिए हम अगर बुरी चीज अच्छी चीज को भी बार बार करेंगे ना कि ये गलत है तो गलत हो जाएगा। तो आप भोजपुरी समाज से हैं, आप भी उस मिट्टी से हैं, तो भोजपुरी को अश्लील बोल बोल के कुछ मीडिया के लोगों ने अश्लील बना दिया। मेरा कहने का मतलब, कहाँ अश्लील नहीं होता है बताइए, चोरी के पीछे भोजपुरी में नहीं होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन हिंदी के मीडिया के लोग ऐसे नहीं करते हैं कि उसको बोले कि चोली के पीछे क्यों है। अब अगर चोली किसी ने हमारे भोजपुरी में बोल दिया तो हमारे यहाँ के मीडिया में प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात, लेकिन अब पॉजिटिविटी को उसको लेकर के आप ही लोगों को परोसना है। आप लोग उसको गलत तरीके से हेडलाइन बनाएंगे ना तो दुनिया ऐसा नहीं देखे। यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाने से भोजपुरी का भला नहीं होने वाला। आप अपने फायदे के लिए हेडलाइन को गड़बड़ मत करिए, होता कुछ और है और उसमें दिखता कुछ और है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग कोई भी सवाल करिए, भोजपुरी को क्यों टारगेट किया जाता है कि अश्लीलता है, कहां अश्लील नहीं है। इन्होंने जो बातें बोली सुहागरात की बातें अगर हम भोजपुरी सिनेमा में डाल देते हैं तो गलत हो जाता है। क्यों? सुहागरात हम बनाने में तो मजे लेते हैं, लेकिन अगर हम डाल दिए तो गलत हो गया। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग का जो हेडलाइन, कुछ लोगों का जो हेडलाइन हो रहा है उसको बिल्कुल क्लियर करिए, उसमें मैटर कुछ और होता है,
और उसमें हेडलाइन जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि भोजपुरी को असली बोल बोल के मत करिए। डर लगता है हेडलाइन आप लोग से, चूंकि आप हमारे हैं अपने अखिलेश, पर आपको इंटरव्यू देते हुए भी डर लगता है कि पता नहीं कौन सा लाइन काट के कौन सा लाइन काट के कहां चिप दिए जाए। आप केकरा संगे बहुत कही कर दी मैं बोलत रह तू आ ओके साइड से ओकरा बाद हई बोलने है चाहे हई बोलली है ओकरा बस केकर बोली आई है बस ये बात। खेसारी जी, खेसारी जी, एक लास्ट एक इसी पे इसी टॉपिक पे आज हेडलाइन की बात चल रही है। तो रजनीश जी की फिल्म थी डमरू जिसमें आप ये और इंटरनेशनल के फेस्टिवल के लिए भेजे थे या अवार्ड के लिए भेजे थे जी, तो वहाँ से रिजेक्ट हो गया। आपको दुख है? रिजेक्ट नहीं हुई है सर, वहाँ पे क्या होता है फिल्में रिजेक्ट नहीं होती है। जैसे मानिए अगर रेस में 10 लड़के अगर दौड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो टॉप आया वो जीत गया जो वो ठीक है और बाकी उससे रिजेक्ट हो गए। उसमें जज लोग बैठते हैं, जैसे कि 10 फिल्में अगर किसी भी अवार्ड शो में जाती है तो अवार्ड शो में पहले उसको ग्रहण करना कि हाँ ये नॉमिनेशन के लायक है, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। मंदिर का एक ईंटा बनना ही सौभाग्य बात होता है हमारा। अब नॉमिनेशन में एक ही फिल्म को मिलेगा, तो जो फिल्म को मिला है वो हमारी डमरू से ज्यादा डिजर्व करता है। वो फिल्म है उड़िया फिल्म है, और उस उड़िया फिल्म की जो कहानी है वो एक गरीब बच्ची की कहानी है जो कैसे एक बहुत बड़ी धावक बनती है। तो जो नेशनल अवार्ड जिस फिल्म को मिला है उसके लिए मैं नेशनल से जो भी उसके जजेस थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमसे बड़ी अच्छी बेटर फिल्म को उन्होंने दिया है। तो हम रिजेक्ट नहीं हुए हैं, हमसे ज्यादा अच्छी फिल्म किसने बनाई है उसको मिला, हम वहाँ पहुंचे तो सही। खेसारी जी, आपका ओपिनियन क्या है इस इस, इस? देखिए मैं क्या बोला आपको, मंदिर का एक ईंटा बनना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। हमारी कोई भी रीजनल हमारी भोजपुरी सिनेमा वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन डमरू पहुंची तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कम से कम उनके नजर में तो हम हैं, उनके उनके चाहत में तो है, उनके प्लेटफॉर्म पे तो हम पहुंचे, तो हमारे लिए खुशी की बात है जो हम वहां तक सफर को तय कर दिए। आज हम 10 में पहुंच गए तो हो सकता है कि कल हम नंबर 1 भी हो सकते हैं, तो हमारी कोशिश है। उस लिस्ट में तो पहुंचे हम, उस लिस्ट में तो आए, उस लिस्ट में आना ही बड़ी बात है। तो बस आप लोग को यही प्रमोट करना है कि अगर हमारी भोजपुरी की चीजें अगर कहीं जाती है तो उसको रिजेक्ट मत लिखिए, उसको बोलिए जी हमारी भाषा की चीजें वहां तक पहुंची, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे ही लोग अगर उसको रिजेक्ट साबित करेंगे तो दुनिया क्यों नहीं रिजेक्ट। खेसारी जी की फिल्म जम्मू